ये आपने पहले पालक पालक एक जुड़ी पालक कितने पत्ते होते हैं इसमें? 8 से 10 पत्ते होते हैं। हाँ जी। ये धो लिया आपने अच्छे से? हाँ। 5 या 6 मिर्ची? 5 या 6 मिर्ची जी। 5 या 6 मिर्ची इन्होंने ली है। ये चने का दाल है, ये 1 कप चने का दाल दिखा दे रहा है। ये भूजा हुआ चना है, मैं आपको बता दूं इसे ऐसे भी खा सकते हैं जी। रोस्टेड चना, ये अपना कोथमीर है। कोथमीर, ओके। ये अपना नमक है। नमक डाला आपने स्वाद अनुसार, चटनी में जितना नमक चाहिए उतना आप हिसाब से डालें। और ये चटनी में क्या डाल रहे हैं? राई और जीरा। राई और जीरा, ओके। काली मिरी और जीरा जी, सॉरी। हाँ, काली मिरी और जीरा दिखाई दे रहा है। दिस इज द काली मिरी एंड जीरा विच इज एडेड नाउ जी। और ये आपने एक पानी हल्का सा डाल रहे हैं। तकरीबन कितना डालना होगा पानी? 100 ml जी। ओके, गो फॉर इट। ऐसे आप धीरे धीरे चेक करें, ऑलमोस्ट बन गया। हल्का सा पानी और अगर ज्यादा गाढ़ा रह गया तो जी पत्ता, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारी चटनी रेडी हो गई मुंबई सैंडविच की। ये तो बहुत बड़ा पर्दा और रहस्य खुल गया भाई हमारे चैनल पर। मुंबई सैंडविच की चटनी जो अब तक राज था वो राज हमने खोल दिया। क्या है राज? ऑयल। ऑयल, ओके। सबसे पहले तेल लिया है, ये मेरे को लग रहा है 1 टेबलस्पून लिया तकरीबन। हाँ, 1 स्पून। और यहाँ पे खजाने में से क्या निकाल रहे हैं राजन? वेरी ऑर्गेनाइज्ड किचन, आई लाइक इट, एंड वेरी क्लीन ऑल्सो। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये हल्दी है। हल्दी, हल्दी डाली इन्होंने। ये थोड़ा सा राई डालने जा रहे हैं। ओके, राइट। ये राई को भूनना है ना थोड़ा सा। और ये अब आपने हल्का सा नमक, नमक स्वाद अनुसार सॉल्ट डाला है। एडेड सॉल्ट, यस सर। बटाटो, अच्छा ये रहा मेन इंग्रेडिएंट। 2 उबले हुए बड़े वाले आलू लग रहे हैं मुझे। यस सर। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे ये खाना बन रहा है बाहर। यहाँ गाड़ियां जा रही है आपके सामने, लोग इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। अच्छा, ये मिक्सिंग के टाइम पे इन्होंने कुछ देर के लिए गैस बंद भी कर दिया ताकि मसाला जले नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मसाला अंदर का रेडी हो गया। हाँ जी, बहुत आसानी से बना दिया फटाफट। तो यहाँ पे आपने मिर्ची डाल दी। यस सर। तो सबसे पहले बटर लगा रहा हूँ जी सर।